लोगों की पीठ में छुरा घोपो, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देकर परेशान करो, उनका विश्वास तोड़ो, उन्हें एक दिन में यूट्यूबर बनने का सपना दिखाओ, और जब इनमें से ज़्यादातर बातें झूठी निकलती है तो लोगों का विश्वास टूट जाता है उस चीज़ से, लोगों का दिल टूट जाता है। मैं जानता हूँ आपकी कैटेगरी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये काम करते होंगे, जो आपकी कैटेगरी को बदनाम करते होंगे। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ, आप बताना कि इसमें से सच में कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें क्या बात कही गई है। मात्र आप 2 मिनट में 400 घंटे पूरे कर सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप 20 मिनट में 4000 घंटे पूरे कर लोगे और आप आसानी से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। तो क्या बाकी इतने सारे लोग पागल हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं 4000 घंटे पूरे करने के लिए? भाई लोग, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप का यूज़ करो, इसमें अपने वीडियो देखो और आपके आसानी से 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। आप फालतू में इतनी मेहनत करते हो। चलो मान लेते हैं कि इस ऐप का यूज़ करके 4000 घंटे पूरे भी हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? आप अपने चैनल को जब YouTube को मोनेटाइज करने के लिए भेजोगे ना, तो YouTube ऊपर से नीचे तक आपके पूरे चैनल को चेक करेगा और इस चीज़ को वो आसानी से पकड़ लेगा, और उसके बाद आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप जानते हो इसका साइड इफेक्ट किन लोगों पर पड़ेगा जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो उस कैटेगरी में अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं। वो कहते हैं ना गाइस कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। अब जो इस कैटेगरी में अच्छा कंटेंट बनाएगा ना, लोग उसकी भी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे, और करे भी क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही धोखा खा चुके हैं, तो विश्वास कहाँ से करेंगे। बात तो सही है। आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये आपको बताएंगे कि आपके चैनल पर व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं। जब मैंने ये ओवरऑल वीडियो देखी ना गाइस, तो इसमें सिर्फ एक बात कही गई है कि आपकी वीडियो को पब्लिक करने का टाइम ही गलत है, इसलिए आपके चैनल पर व्यू नहीं आ रहे हैं। इनके हिसाब से अगर आप अपने वीडियो को 2 बजे से 5 बजे के बीच में पब्लिक करोगे ना, तभी आपके चैनल पर व्यू आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो सुबह और रात को वीडियो पब्लिक करते हैं, क्या वो लोग पागल हैं? उनके चैनल पर मिलियंस में व्यू आते हैं। तो ये लोग आपको सिर्फ झूठ बोल बोलकर गुमराह करेंगे, और लोग इनकी बातों को सच मान लेते हैं, और जब उनकी बातें झूठी निकलती है ना, तो लोग उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उनको गाली देते हैं। दूसरों की वीडियो से पैसे कमाओ। अब यूट्यूब पर आपको कुछ लोग ये नॉलेज देंगे कि आप खुद कुछ मत करो, बल्कि दूसरे की वीडियो से आप लाखों रुपये कमा सकते हो महीने का। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप किसी मूवी की क्लिप को उठाओ, उसे एडिट करो और अपने चैनल पर अपलोड करो, या किसी फनी वीडियो को एडिट करो और उसे अपने चैनल पर अपलोड करो, और आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। चलो मान लेते हैं कि आप ऐसा करके अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लेते हो और पैसे भी कमाना चालू कर देते हो, लेकिन आप हर बार इतने लकी नहीं होगे कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। और अगर आपके चैनल पर 1 महीने के अंदर 3 कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है ना, तो आपका चैनल वैसे भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे? आप जिस चीज़ के लिए YouTube पर आए हो, नेम और फेम के लिए, वो तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना खुद का क्या किया है? खुद का तो कुछ भी नहीं किया, बस हमेशा दूसरों के वीडियो का यूज़ करके पैसे कमाए। तो ऐसा करने का फ़ायदा ही क्या है? आप बताओ मुझे, आपको इससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप खुद का अपना ओरिजिनल वीडियो बनाते हो और उसमें अगर किसी क्लिप का यूज़ करते हो, तो आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, और आप अपना खुद के कंटेंट के दम पर हिट हो सकते हो और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आई होप यू गाइस, आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किन लोगों की वजह से आपकी कैटेगरी में व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। तो की सीधी बात यह है कि जब तक आप लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना लोगे ना, तब तक आप अपने चैनल को ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं जानता हूँ गाइस, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप जो उस तरीके से अपने चैनल को ग्रो करोगे ना, तो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा, कभी भी आपको लोग भूलेंगे नहीं। इसलिए गाइस, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर बिलीव करो और मेहनत के दम पर आगे बढ़ो। थैंक यू गाइस, जय हिंद।